एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में गंभीर अपराध के आरोपों से घिरे सांसदों पर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। लोकसभा चुनाव से पहले आई एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2019 के बीच हुए लोकसभा चुनावों में दोबारा चुनकर आए 23 सांसदों में से 12 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 12 में से 9 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती से संबंधित आरोप शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के 17 दोबारा चुने गए में से 7 सांसद, कांग्रेस के 3 दोबारा चुने गए सांसद, AIMIM के 1 और शिवसेना के 1 सांसद ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।